आलू चिप्स बहुत ही मज़े की बनी हैं, आवाज़ से पता चल रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सुबह से बारिश हो रही है, खेतों की तरफ आया था चक्कर लगाने के लिए। तो हम आज बनाएंगे आलू की चिप्स, बहुत ही मज़ेदार होती है और इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। नहायत ही आसान है बनाना, बच्चों के लिए बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है, घर चल कर बनाते हैं। आलू हमने छील लिए, सबसे पहले आलू की स्लाइसिस बनाएँगे। सबसे पहले स्लाइसिस बना लेंगे, छुरी से भी बना सकते हैं लेकिन अगर कटर हो तो आसानी से बन जाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त बन रही है। माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी स्लाइसेस बनी हैं। और एक इसका ये वाला हिस्सा है, इससे और तरह की बनेंगी स्लाइसेस, वो भी बना लेते हैं। मौसम जो है वो बारिश वाला है, बारिश हो रही है बाहर और हमारी स्लाइसेस बहुत ही प्यारी बन गई हैं। ये पानी डाल लिया हमने कढ़ाई के अंदर और अब इसमें हम नमक डालेंगे। और अभी जो स्लाइसेस हमने बनाई हुई हैं वो डाल देंगे पानी के अंदर। और तकरीबन 5 मिनट इनको पानी के अंदर ही रहने देंगे, नमक वाले पानी के अंदर। थोड़ा सा हला देंगे। नमक वाले पानी में रखने से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी जो थिकनेस है आलू के अंदर, थोड़ी चिकनाहट है, वो ख़त्म हो जाएगी और फ्राई करने में आसानी होगी और मज़े की और क्रिस्पी फ्राई होंगी हमारी स्लाइसेस। 5 से 7 मिनट हो गए हैं पानी में भिगोए हुए इसको, और अभी इसको निकाल के ना किसी बर्तन में फैला देंगे और खुश्क होने देंगे। अभी हम स्लाइसेस को खुश्क होने देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। स्लाइसेस जो हैं वो खुश्क हो गए हैं, अभी इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन गई हैं, निकाल लेंगे।